हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब बच्चों ने अपने घर में होंगे। आज मैं जिस सॉन्ग पे रिएक्शन देने जा रही हूँ, सॉन्ग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड सॉन्ग है, जिसको उस एक पर्सन का नाम लूँगी जिसने मुझे रिक्वेस्ट करा। उसका नाम है सुधीर कलवा। आई थिंक मैंने सही नाम प्रोनाउंस करा है आपका। थैंक यू सो मच मुझे इस सॉन्ग को बताने के लिए। एंड और भी बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि आप इस पर रिएक्शन दीजिए। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आप मुझे पहली बार देखें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो मैं और किस वीडियो पर रिएक्शन दूँ, मैं ज़रूर उन वीडियोस पर रिएक्शन दूंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो शैलिन डायल्स, का नाम यहाँ पे भी आ रहा है एंड नीचे भी डिस्क्रिप्शन में। तो गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज मेरी सारी वीडियो की अपडेट्स इंस्टाग्राम पे आ रही। तो अगर आप नहीं चाहते कि आप भी कोई मेरी वीडियो की अपडेट मिस करें, तो गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। नाइस, ਵਾਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਆਦਾ ਬੇਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਪੜਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਟਾ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਜਸਟ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਓ ਨਾਈਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਈ ਜੂਨ ਕੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਤੇਰੀ ਮਜ਼ਰੈਟੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਕਰਦੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵਾਓ
इधर दो। वाओ कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग था ये। दोनों पापा बात करते हैं, ठीक है, ये बोलता है कि अरे उनको लाओ तो यहाँ पे, लाइक मतलब अपनी बेटी को तुम यहाँ पे लाओ तो एक बार, तो बोलते हैं ओके फाइन। देन उनकी बेटी जब यहाँ पे आती है, फिर जब हमारे से दूसरे उसको देखते हैं दिस लाइक कि वाओ, मतलब काफ़ी अच्छी लड़की है वो लड़की, बिल्कुल उनको लाइक कहते ना कि भाव नहीं देती उनको, मतलब ये दोनों एक दूसरे को भाव नहीं देते। बट फिर नो, यहाँ पे हमारी स्टोरी एंड नहीं होती है। लेकिन उसके बाद फिर एक नाम है सोनिया मान, सोनिया मान नाम है लड़की का, यस, उनकी गाड़ी फंस जाती है लड़की की, एंड देन फिर बचाने के लिए उनकी गाड़ी को निकालने के लिए। सबसे मज़ेदार चीज़ मुझे वो लगी जब उन्होंने से गाड़ी निकाली, लड़की बाहर आई, रस्सी को लिया एंड फेंक दिया। वाओ कितना किलर एटीट्यूड था वहाँ पे, माइंड ब्लोइंग। ये सॉन्ग में जिस तरह से बेस है इस सॉन्ग का, बहुत ही किलर बेस है इस सॉन्ग का। एक वीडियो में इनका बेस बहुत मज़ेदार होता है, प्रीवियस वीडियो में भी कहा है मैंने कि जो इनका बेस होता है सॉन्ग का बहुत ज़्यादा किलर होता है। देन फिर जब लास्ट का तो सीन मज़ेदार लगा मुझे, दोनों के फादर उनको देखते सर को, मतलब बात नहीं बनी, मतलब कुछ ऐसा होता है कि मतलब बात नहीं बनी, फिर सर स्माइल कर देते हैं, वो आ जाती है लड़की वो। वाह यार बहुत ज़्यादा हार्ड सॉन्ग था, वाओ कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल सॉन्ग है। जिस तरह से मुझे सॉन्ग में मज़ा लगा, आई थिंक उसी तरह से आपको मेरा रिएक्शन भी मज़ा लगा होगा। या दैट्स इट, आई बिकॉज लाइक दिस वीडियो, इफ यू डू दैन प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट्स फ्री। अभी उसके आगे जो बेल आइकन है आप उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मेरे कोई न्यू वीडियो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास, एंड बाहर मत निकले बिकॉज कोरोना वायरस। एंड लिसन कमेंटर्स गाल नहीं करनी, कर दी ना घर, खैर कर ही दो कि मेरे भी कहाँ सुनोगे तो, ठीक है बाय।